सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिजिक्स का जो पहला लेसन था उसमें हमने चार्ज डेंसिटी की बात की थी, और उसमें चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था तीन प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें आज हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? अगर कोई कंडक्टर जिसके आउटर सरफेस पर टोटल प्लस चार्ज है, कोई कंडक्टर, ये माना एक कंडक्टर है जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, माना एक चालक जिसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है और जिसकी रेडियस जो है आर है। अगर किसी चालक की त्रिज्या आर है, उसके सरफेस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो उसका कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है 4πε0 × r। ये आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हो कि एक चार्जेड आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 4πε0 × r होता है। आज हम बात करेंगे इसके सरफेस पर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो ये मान लिया जाए कि ये कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर सरफेस डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सरफेस डेंसिटी सिग्मा है। अब इस सरफेस डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड करना है। आज हमें फाइंड करना है कि इस सिग्मा का वैल्यू क्या होगा इस आइसोलेटेड स्फीयर पर जो प्लस क्यू चार्ज है, उस प्लस चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये कैपेसिटर प्लस क्यू चार्ज से पूरा भरा है, तो उसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4πε0 × r होगा। यहाँ r इसकी रेडियस त्रिज्या है। अगर हम बात करें इस कैपेसिटर इस स्फीयर की आउटर सरफेस पर प्लस क्यू कारण अगर इसका वोल्टेज भी अगर इसको भी वोल्ट तक अगर चार्ज किया गया है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अगर चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज में रिलेशन देखा जाए तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज का रिलेशन सी इज इक्वल टू क्यू बाई, ये कैपेसिटेंस आप धारिता की परिभाषा से समझो, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अब सिग्मा का वैल्यू आपको निकालना है, आपको वोल्टेज पता है भी है, चार्ज पता है प्लस क्यू है, और धारिता क्या है 4πε0 × r। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बराबर आपको पहले से पता होगा क्यू बाई डी ए। अगर इस गोले का रेडियस r है, तो इसका जो आउटर सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, तो एरिया इसका हो जाएगा आपका
फोर पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया इसका। इसका एरिया क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा निकालने के लिए आपको डीए तो पता हो गया, ये आपका डीए है एरिया आपका। यहाँ क्यू का वैल्यू आपको चाहिए, डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्यू चाहिए ना, तो क्यू यहाँ से देखो आप, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, और क्यू इज दैट भी क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी भी। यहाँ से आप बढ़ाओगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सी भी। तो हमने किया क्या, सिग्मा इज इक्वल टू आप लिखो, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई डी ए, ये आपका ओरिजिन है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी ए, और क्यू इज इक्वल टू सी भी, तो क्यू मैंने भर दिया सी भी अपॉन डी ए। अब यहाँ पर वैल्यू भरो, सिग्मा इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हो गया वैल्यू ऑफ सी, इंटू भी अपॉन डी ए, डी ए यानी एरिया, तो डी ए कितना है फोर पाई आर स्क्वायर, तो भर दो फोर पाई आर स्क्वायर, डी आपका एरिया है ना, ये आपको सिग्मा निकालना। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन डी ए, और क्यू यहाँ से समझ लो सी बी हो जाएगा ना, ये मेन फोकस यहाँ पर आपको करना है, आपको फाइनली निकालना क्या है सिग्मा। तो सिग्मा डी ए क्यू अपॉन डी ए, और क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू भर दिया हमने सी बी डी ए, सी का वैल्यू कितना है फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वोल्टेज जैसे ही हो गया डी ए, डी ए क्या है एरिया है ना, फोर पाई आर स्क्वायर, आर से कार गायब होगा, फोर पाई से आपका फोर पाई निगलेक्ट हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बनेगा, इप्साइलॉन नॉट, इप्साइलॉन नॉट भी अपॉन आर, इप्साइलॉन नॉट भी अपॉन क्या होगा, एक आर से एक आर आपका कट गया, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन आर। तो कोई भी अगर चार्जेड कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, उस पर जो सिग्मा का वैल्यू होगा, वो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन आर, ये होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आइसोलेटेड एस्फेयर कंडक्टर। किसी भी गोलीय चालक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन आर, यहाँ भी वोल्टेज है और आर जो है आइसोलेटेड एस्फेयर की रेडियस है। यहाँ पर आप फिर से एक बार फोकस कर लो, आपको निकालना क्या था, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई डी, और क्यू यहाँ से देख लो सी भी होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी भी अपॉन क्या है डी ए, सी क्या होगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वोल्टेज वैसे ही होगा, डी ए यानी एरिया कितना हो जाएगा, गोले का एरिया कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, फोर पाई से फोर पाई निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट भी बाई आर। तो एक गोलीय चालक अगर है तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी अपॉन आर होगा।